तो आपको दिखा दें। मेरे चैनल पर नए हो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब चलते हैं, आप अपने फ़ोन में कान मास्टर करते ही ओपन कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है 16.9 का, यहाँ पर आप लोग चलिए। फिर यहाँ पर आपको जो वीडियो बनाई थी वो वाली सिलेक्ट करनी है, तो ये वाली वीडियो है ना, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ कुछ करना है। अब यहाँ से देखना ये बंदा इधर से उधर, जहाँ से इधर का पार्ट बेकार है इसको कट कर देना यहाँ से। तो अब चलते हैं, ये अब इधर रोक कर यहाँ पर जो कैंची का निशान है, कैंची का यहाँ पर इसका साइड का कट कर लेना। तो चलते हैं और फिर यहाँ पर बैक जाना है, फिर जो फुल वीडियो जो खाली आपको 9 सेकंड की बनानी है वो बना लेना, सो सीख जाओगे। फिर यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से आपको जाना है सीधा, मैं आपको जाकर दिखा रहा हूँ, यहाँ से सीधा बैक आ जाना है। आपको जाना है गूगल पर, गूगल पर लिखना है रिमूव डीजी, तो यहाँ पर सर्च करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको पहली लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फोटो सिलेक्ट करनी है, वो वाली जो मेन फीचर बताया था बैकग्राउंड वाली, यहाँ से सिलेक्ट करें। मेरी पहले से ही है, मैंने करी है, तो आपको देख सकते हो। तो चलते हैं उसी वापस आ जाते हैं गन मास्टर पर, तो आपको दिखाते हैं। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको जो वो फोटो थी वो सेट करनी है। तो हम आप देखो कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जूम करो, अब यहाँ पर जो चाबी से दी गई यहाँ पर माइनस प्लस है ना, इसको माइनस कर दो थोड़ा सा ताकि यहाँ छोटी हो सके। अब बैठ जाओ, फिर से नहीं कैप करके फिर कर दो वही ट्रिक, फिर से करनी है, अब छोटी करनी है, प्लस से माइनस करनी है। अब ये सेट कर लो, अब सेट करने के बाद सही ढंग से सेट कर लो ना, बीच में जहाँ पर आपने वहाँ पर छोटा किया। सेट करने के बाद सेट होगी, आप इसे छोटा कर दो जैसे पहले किया था, और यहाँ से नीचे को लेयर को कम कर दो। तो अब फिर जाओ, अब वहाँ से वो लेना है जो सांप है ना, ये वाला इफेक्ट डाउनलोड कर लेना। अब ये मड़ी है ना, मड़ी लेनी है, ये वाला इफेक्ट डाउनलोड कर लेना, लिंक में डाल दूँगा। इसको थोड़ा जूम करना, जूम करके ही इसको जो क्रॉप का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आपको हटा देना है, और यहाँ पर आप कलर भी चूज करते हो जिसमें आपकी जो मड़ी है ना वो सांप आए, ग्री कर सकते हो, यहाँ पर सेट कर दो। ये मैंने सेट कर रहा हूँ, आप लोग भी कर सकते हो, जहाँ ठीक लगे उधर ही सेट कर दो। तो अब चलते हैं, लगता है इतनी सेट होगी, फिर दिखाते हैं कुछ। अब चलो यहाँ पर कर दी मैंने, अब कलर चेंज कर रहे हैं, क्योंकि वाइट कलर लगा कर देख रहे हैं, वाइट में नेक भी मड़ी नहीं दिख रही है, वाइट लगाया पर ये कम किया अब दिखने लगी। अब यहाँ पर करते हैं सेव, हो गई, अब चलो सेव करते हैं। अब यहाँ पर सांप का इफेक्ट लगाना है आपको, इस लेयर को भी छोटा कर देना उसी की तरह जिसको आपने उसे किया था। तो अब चलो इतने के बाद लेयर पर जाएं, यहाँ पर आपको सांप का जो डाउनलोड लिंक डाल दूंगा उसमें से कर लेना, सांप का इफेक्ट है ये ग्रीन। अब इसका प्रोसेसर हो रहा है, थोड़ा होने दो, होते ही अब इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेंगे, जितना छोटा कर सको उतना ठीक है, क्रॉप क्रैक करके क्रॉप करेंगे, यहाँ से गायब हो जाएगा जो नीले रंग का होता है वो। गायब हो जाने के बाद यहाँ पर सेट कर देंगे जैसे कि आपने उस मड़ी को किया था, वैसे इसे भी कर देंगे। अब थोड़ा सा करके यहाँ पर जो डिलीट के ऊपर चाबी का ऑप्शन है वहाँ क्लिक करेंगे अभी, और यहाँ सेट कर दो मड़ी पर ही ठीक, फिर करके माइनस थोड़ा सा आगे बढ़ाकर प्लस से माइनस कर दो, फिर वीडियो सेट कर दो, फिर थोड़ा आगे बढ़ाकर इसको जूम कर दो ताकि हमारा सांप कुछ अलग स्टाइल का दिखे, जितना जूम कर पाओ उतना कर दो, जितना बड़ा हो सके। करने के बाद आपको सेट करना है, तो आप देखो अब वीडियो बनकर तैयार हो गई है, तो चलो वीडियो बनकर तैयार हो गई। अभी देखते हैं कुछ
थोड़ा सा और हो जाए सही प्रोसेसर। चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं। ये देखो बन गया सा, थोड़ा सा अभी डाउट है, उसको जो सांप है ना उसको पीछे कर दो सही से सेट करके। अब यहाँ से छोटा कर दो, इतना हो सके छोटा, उतना छोटा ही करके ही। अब आप लोग देख सकते हो हमारी वीडियो बन कर ब्लॉग में।